हेलो गाइज, वेलकम बैक। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे एंड सेफ होंगे। तो गाइज, आज हम लोग फिर से आ चुके हैं भाई रावण्स के शेल्टर वाले गेम। हेलो गाइज, वेलकम बैक। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे एंड सेफ होंगे। तो गाइज, आज हम लोग फिर से आ चुके हैं अनडाउन गेम के अंदर। एंड तुम लोगों को लास्ट टाइम पे तो पता ही हुआ कि भाई अनडाउन के अंदर क्या कुछ हुआ था। भाई लास्ट टाइम पे अनडाउन के अंदर हम लोग रावण के फादर से मिले थे, रावण का जो पुराना विलेज था 4 साल पहले वहाँ मिले थे। एंड साथ ही में रावण अपने सीक्रेट बेस पे हमें ले जाके जो कुछ भी 4 साल पहले हुआ था, मतलब 4 साल पहले जो जो चीज़ें हुई थी गेम के अंदर, किस तरीके से ये ज़ॉम्बी वर्ल्ड बना, किस तरीके से उन्होंने मतलब नए नए डिफेंस बनाए लोगों को बचाने के लिए, एंड साथ ही के अंदर अभी हम लोगों को बचाने के लिए क्या कर सकते हैं, कि कुछ हम लोग टेररिज्म वाले मतलब टेररिस्ट के बेसिस भी देखे थे जो कि 5 बहुत बड़े बड़े थे। वो लोग अर्थ में मतलब अर्थ के ऊपर वो लोग कब्जा कर रखे हैं या फिर वहां पे आसपास के एरिया में लोगों को सर्वाइव नहीं करने दे रहे हैं। तो वहां से इन्होंने बताया था कि भाई हमें रावण्स का सेल्टर ज्वाइन करना है एंड हमें लोगों को सर्वाइव करना है, उनके लिए खाने पीने का व्यवस्था करना है एंड ये वापस से एक जो वर्ल्ड बन रखा है ज़ॉम्बी वर्ल्ड उसको ठीक करना है। तो लेट्स गो गाइस, अभी हम लोग आ चुके हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले तो हम लोग चलते हैं, हमें जो बात करनी है यहाँ पे भाई पायलट से, सबसे पहले हमें बात करनी है। एंड आई थिंक मुझे लग रहा है पायलट कहीं हमें और लेके जाएगा, तो सबसे पहले हम लोग ना हमारे पायलट के पास चलते हैं। तो लेट्स गो, पायलट ये रहा, तो इससे हम लोग थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ओके गाइज, अभी मैंने इससे बात कर लिया है एंड ये हमें बोल रहा है कि अभी हमको ना एक बार हमें इस पर बैठ जाना है हेलीकॉप्टर के अंदर एंड ये हमें एक ऐसी जगह लेके जाएगा वहाँ की भाई एयर पॉइजनस होगी एंड थोड़ा वो जो क्लाइमेट है ना वो थोड़ा पॉइजनस होगा एंड वहाँ पे कुछ विजिबिलिटी भी अच्छे से नहीं आएगी। बट जहाँ तक कि ये बोल रहा है भाई कोई लैब वगैरह कुछ ऐसे बता रहा है जहाँ पे हमको ये लेके जाने वाला है एंड साथ में हमको उस लैब के ऊपर कुछ रिसर्च वगैरह है कुछ वहाँ पे भी जो भी बंदे लोग मिलेंगे उनको मार मूर के एंड वहाँ पे हमें कुछ चीज़ें एक्टिवेट करनी है। तो लेट्स गो, अभी ये हमको लेके जाने वाला है, आई डोंट नो, बट कुछ भी कहो हेलीकॉप्टर में बैठने के बाद जो मज़ा है ना भाई वो नेक्स्ट लेवल है भाई हेलीकॉप्टर में। गाइस आप लोग कमेंट करके बताना एंड आई थिंक क्या यही वो प्लेस है या फिर यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे मैंने बोला था कि ये पॉइजनस एयर होने वाली है यहाँ पे। साथ में हमें नोटिफिकेशन तो खैर आ ही चुका है एंड यही है क्या वो यहाँ पे कुछ ना कुछ ये मिल या कुछ कंपनी है, आई डोंट नो। लेट्स गो गाइज, देखते हैं कहाँ लेके जाता है हमको ये। ओके गाइज, अभी इसने ना हमें यहाँ पे ला के उतार तो दिया है बट समझ में ये नहीं आ रहा कि ये वापस से हमें रावण्स वाले शेल्टर पे मेरे को वापस भेज रहा है, आई डोंट नो वाई। बट अभी तो हम लोग वहाँ से आए हैं एंड सामने तुम मकान देख सकते हो भाई किसकी, मतलब कितनी बड़ी घर है, बट पता नहीं ये मेरे को वापस से वहाँ पर क्यों भेज रहा है जो कि अभी अभी हम लोग वहाँ से आए हैं। आई थिंक हमें फिर से कुछ ना कुछ बात करना होगा एंड लेट्स गो, चलते हैं फटाफट। ओके गाइज, अभी मैं आ चुका हूँ रावण के शेल्टर पे। देन अभी ये पता नहीं यहाँ पे क्या कुछ चल रहा है, आई डोंट नो, बट ये वापस से मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि मेरे को वापस से ऊपर क्यों भेज रहा है। आई थिंक कुछ मिशंस का ग्लीच हुआ है कि क्या कुछ हुआ है, आई डोंट नो, बट ये फिर से भाई मेरे को यहाँ पे क्या बोल रहा है। अच्छा, टैग है हेलीकॉप्टर एंड हम लोगों ने शायद से जो हमें मिशन मिलेगा वो अब मिलेगा, बिकॉज हम पिछली बार तो हम लोग डायरेक्टली उस पर सिर्फ विजिबल हुए थे एंड अभी हम लोग वापस से सेम लोकेशन पे आई थिंक पहुंचने वाले हैं। ओके गाइस, अभी हम लोग यहाँ पे लैंड हो चुके हैं जो भी हमने बोला था यहाँ पे। एंड जैसा कि मैंने बोला था कि यहाँ की रेडिएशन वगैरह, एयर में पोल्यूशन वगैरह होगा। ओके जस्ट वेट भाई। अच्छा, ये मेरे को मतलब ये मिशन है जो मुझे कंप्लीट करना है। पुअर नेटवर्क कनेक्शन, ओके ओके सर, फटाफट मेरे को जहाँ जाना है वहाँ मेरे को जाना होगा। इसको थोड़ा हम लोग इधर एडजस्ट करते हैं। आई डोंट नो भाई, बट यहाँ पे ना रेडिएशन के कारण ना मेरी हेल्थ भी काफ़ी ज़्यादा कम हो रही है, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे सबसे पहले ये लगता है कि भाई मुझे कुछ खा लेना चाहिए जिससे कि मेरी हेल्थ भी इनक्रीज़ हो। और मैंने रेडिएशन सूट नहीं बना भाई, रेडिएशन सूट बनाने के लिए मेरे को जो चीज़ें चाहिए थी। ओके, मुझे यहीं पर आना है। ओके, ग्रीन ग्रीन स्टार क्या है, टारगेट, लेट्स सी, लैब ऑपरेशन। ओके, इसको ओपन ओपन करना है क्या? यस, ओए ला, इसी की कमी थी भैया, इसको फटाफट मारते हैं सबसे पहले तो। इजी पीजी मर जाइए भाई, मरोगे तुम। ये ज़ॉम्बीज पता नहीं है क्या लेने आते हैं भाई। अबे मेरी हेल्थ नहीं छोड़ी भाई इसने, एक तो मेरे को वैसे भी बहुत गंदी वाली, भाई भाई मेडिकेट मार, भाई मेडिकेट मार, भाग यहाँ से, बच गया बच गया बच गया, मरेगा भाई तू, तू मरेगा मेरे हाथों। अबे इसने मेरे को मार दिया, शिट, कर लो बात यार, इसने तो मेरे को ही उड़ा दिया भाई वापस से। वो ज़्यादा ही पावरफुल है यार ये, एक तो भाई वो इतने सारे ज़ॉम्बीज सारे मेरे ऊपर अटैक मारते ना अचानक से भाई, एक तो रेडिएशन सूट नहीं है भाई,
अगर ऐसा हुआ तो भाई मैं तो सल्ट जाना है भाई, मैं जीत भी नहीं पाऊंगा इधर, ये लोग मेरे को मुंह भी नहीं लगाए भाई। चलो अभी फटाफट से मैं वापस वहाँ चलता हूँ भाई, उसको तो मारना है मेरे को। एंड यहाँ पे ये जो भी लैब है, बस मेन वो येल्लो वाला उसको मैं क्लियर कर दूंगा। तो क्लियर है, ये देखो ये रहा, बाहर आ जा भाई, तेरे से तो नहीं मरूंगा भाई, तेरे छोटे वाले बच्चे मत भेजिए बस, ज़ॉम्बी मरना बे। तो भाग यहाँ से, इसी के गोले में बैठा भाई डैमेज लेने के लिए, ये तो रेडिएशन वैसे ही भाई खाई जा रही है, खाई जा रही है, मारता रहे भाई। आजा आजा आजा, अबे एमओ रिकॉइल मार ची भाई, एमओ खत्म हो गई। फटाफट फटाफट, थोड़ा सा बचा अब तो। अबे यार ये कितना गंदा मार रहा है मेरे को भाई, फिर से ले गया भाई, लास्ट टाइम में बहुत गंदा मार रहा है मेरे को, छोड़ भी नहीं रहा है। तो मेडिकेट मार ले भाई, फोर लेवल फोर की मेडिकेट्स भी भाई मेरे पास बहुत कम है, आई थिंक मेरे पास ये मेडिकेट लास्ट है, उसके पास बैंडेजेस है भाई, ऐसा होगा तो कैसे चलेगा। खाना खा भाई, थोड़ा बहुत खा ले भाई, तू खा, तेरे को जो खाना है वो खा, बस मर मत। इसको ये करते हैं एंटीबॉडीज़ देते हैं थोड़ा हेल्थ भी, इसकी पूरा बीमार मरने वाला है ये, वैसे मर ही चुका है दो बार। तो कहाँ है भाई, आ जाओ साला, लास्ट टाइम पे इतना गंदा डैमेज देते ना भाई ये। आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, इधर आ जाओ, इससे ना थोड़ा बच के रहना पड़ेगा मेरे को। अबे ये मेरे को कैसे मार दे रहा है यार, इसके मैं रडार में भी नहीं हूँ, जोन में भी नहीं हूँ, उसके बावजूद भी साला मेरे को मार दे रहा है, ऐसे कैसे चलेगा भैया। तेरे पास नहीं आना भाई, भाई ये ना मेरा वेस्ट खाने के बाद तो इतनी जल्दी जल्दी लेके जाएगा ना हेल्थ। भाग 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 भाग, पीछे आ जा, बहुत बढ़िया, इसी तरीके से खेलता रहूँगा ना, जीत जाऊँगा। भाग भाग भाग, थोड़ा सा और बचा, हल्लू सा बचा भाई, जल्दबाजी मत करियो राहुल, बिल्कुल जल्दबाजी नहीं भाई। कितना रिकॉर्ड मारेगी ये भाई, अब तो मर जावे, बहुत बढ़िया। मैच को गाइस फाइनली मारा गया ये भाई, पैन पैन भाई बेचारा थक चुका है, इसकी भी हालत ख़राब हो चुकी है, इसको मारने में कतई पसीने। ये तो वही लड़की है ना, हाँ ये वही है, ये देखो ये वो आ गया, ये इनसे मिली हुई है आई थिंक, ऑल द सीक्रेट डाटा लैब भाई, सारा सीक्रेट लैब का सारा सीक्रेट डाटा ये लोग चुराने वाले हैं। ओके, इन्होंने मेरे को ऐसे ही छोड़ दिया भाई, मरेगा तो ठीक है, ये सोच रहे भाई मैं ऐसे ही मर जाऊँगा। इससे थोड़ा ना अपना जो भी सामान पिछली बार था वो सब कुछ हम इससे एक बार लूट लेते हैं भाई। इन लोगों ने तो बड़ा गंदा मारा भाई लिटरली, साला जिस काम के लिए मैं यहाँ पे आया था वो भी नहीं हो पाया। सबसे पहले मेरे को कॉल करना पड़ेगा, कांटेक्ट करना पड़ेगा, एंड आई थिंक ना अभी इसके सब कुछ सामने आ चुका है, तो ये ना सब कुछ मुझे लग रहा है कि कमांडर को बता देगा। स्टे इन टच, ओके, इसने उससे बात कर लिया, पायलट से बात कर रहा है, ओके, मेरे को पिकअप करने तो आ चाहिए, ऐसा कुछ सीन है भाई। सबसे पहले तो मेडिकेट मारने दो मेरे को, मेडिकेट की बहुत ज़्यादा नीड है, तो ऊपर चलना है मेरे को। वैसे यार मेरे को कहीं से मेडिकेट तो मिल ही सकती है, सबसे पहले मैं क्राफ्ट करने का ट्राई करूँ मेडिकेट, एंड मेरे को हील के लिए ओके ये तो मिल जाएगी, मेरे को बैंडेजेस तो मिल जाएगी भाई, बहुत गंदा काट रही है ये, और मेरी ना हील भी बिल्कुल कम है। कितना मैं बना सकता हूँ, तीन, फटाफट से मैं क्राफ्ट करूँ। ओके एक मैंने मेडिकेट और मार लेना है, मतलब बैंडेज और मार लेना है मैंने, रेडिएशन सूट बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, अगर नहीं बना पाया तो आई थिंक यहाँ से वो मेरे को पिकअप कर लेगा। यस आई नो, कर लेगा मेरे को यहाँ से पिकअप। कहाँ है भाई, रस्सी नीचे कर। ओके ठीक है, लेट्स गो गाइस, काफ़ी मुश्किल से हम लोग वहाँ पे बच के आए हैं ऐसा समझो, इसके पास पायलट था, अदरवाइज भाई वो लोग इसको मार मूर देते हैं। बट पता नहीं यार ये पायलट कहाँ पे छिपा हुआ था, बट कुछ भी कहो जो मेन जो हमारे इस गेम के अंदर भाई राउंड्स के बाद जो हमारी कमांडर है वो भाई इन लोगों से मिली हुई है, और इन्होंने भाई लैब का पूरा डाटा चुरा लिया है। बट ये पता नहीं, मेरे को नहीं पता इसने उसको देखा कि नहीं देखा, क्योंकि इसने हैंड्स अप कर लिए थे लास्ट टाइम पे, एंड उसने उसको ना गन से मार के ना उसको बेहोश कर दिया था। तो फिलहाल अभी मेरे को, सॉरी थोड़ा लैग कर रहा है,
फटाफट नीचे जाना है रावण्स के शेल्टर पे। एंड भाई तो पता नहीं यार वो लड़की से मिली हुई क्यों है, मेरे को समझ नहीं आ रहा, ना तो वो हैंडसम है ना ही कुछ और है। तो सबसे पहले हम लोग रावण्स के सीक्रेट बेस के अंदर चलने वाले हैं, वहीं पे जाके आई थिंक मुझे लग रहा है सब कुछ एक्सप्लेन होगा। बट यार लड़की को तो पता नहीं, मुझे नहीं पता, पैसा चाहिए होगा उसको शायद से, मनी के लिए वर्क कर रही होगी क्योंकि बंदा हैंडसम तो बिल्कुल भी नहीं है भाई, इतना पैचिता है ना भाई, इतना गंदा है वो, तो उससे कौन ही मतलब, क्या ही बोलूँ मैं। तो लेट्स को अभी ना इस रावण्स को आई थिंक ये सब कुछ बताने वाला है कुछ, लेट्स सी हम लोग थोड़ा बात कर लेते हैं इससे। ओके गाइज अभी हमने रावण से बात कर ली है एंड ये बहुत ज़्यादा परेशान है, साथ में हमें बोल रहा भाई तुमने ऐसा क्या किया कि पूरा का पूरा डाटा चोरी हो गया वहाँ पे, तुम ऐसा कैसा कर सकते हो। सो इसने ऐसा बोला कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तो मैं मतलब अकेला नहीं भेजना चाहिए था मेरे को, बट ठीक है कोई ना भाई, हमसे ये थोड़ी सी गलती हुई है एंड हम अकेले गए थे। तो अभी इसने हमें यहाँ पे किसी रूम में भेजा है एंड आई डोंट नो अभी यहाँ पे कुछ करने वाला है। ये क्या इसका बेडरूम है? नहीं ये श्रेयी का है, तो ये आई थिंक श्रेयी से मिलने आया है यहाँ पे। तो देखते हैं इनके बीच में क्या कुछ होता है भाई, ये मस्त पियानो बजा रही है भाई यहाँ पे। ओके ये मिलने नहीं आया है शायद, ये श्रेयी को सिर्फ होता ना मतलब क्रश वैसा कुछ है, ये सिर्फ श्रेयी को देख रहा था कि ये ठीक तो है ना। अभी हमको कहीं और में जाना है, यही थी ना वो लड़की जिससे कि हमने मार खाई थी, कैटरीन नाम है इसका भाई, तेरे को तो मैं नहीं भूलने वाला, आई थिंक वो यही है वो कैटरीन, दिखाना जरा। हाँ यस यही है वो कैटरीन जिसने शायद हमें पीछे से मारा था लास्ट टाइम पे। नहीं आई थिंक ये नहीं है, कैटरीन नहीं है वो कमांडर थी एंड इसकी ड्रेसअप ऐसी नहीं है। अभी भाई मेरी हालत ख़राब हो गई है, सबसे पहले मुझे मेडिकिट की बहुत ज़्यादा नीड है, आई डोंट नो सबसे पहले मुझे एक दो ये भी मारना पड़ेगा। लेट्स गो फटाफट, अभी हमें किसी और से भी बात करनी है, इधर चलते हैं फटाफट। ओके हमें बाहर जाना है एंड अभी गाइस आज के लिए बस इतना ही रखते हैं एंड हमने भी इनसे बात कर ली है वगैरह, जो भी हमें नेक्स्ट मिशन मिलेगा उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आप लोग कमेंट करके बताना कैसा लग रहा है आपको ये गेम स्टोरी एक्सप्लेनेशन। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस।